नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न करता है, क्योंकि मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों के दोस्तों हार नहीं होती। नाम है किरण मोरे, गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी की ओर से फिर से एक बार आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ कुछ नए टॉपिक को लेकर। और आज का टॉपिक है, क्या आप चाहते हो आप अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ाना? क्या आप चाहते हो कि आपके बिजनेस के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करो? तो कोई नहीं चाहता है, हर बंदा चाहता है, लेकिन दिक्कत ये है कि चाहने में और हासिल करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। चाहता तो सब कोई है, इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन मिलता सबको नहीं है दोस्त, मिलता उन्हीं को है जो उसके ऊपर लगातार बार बार काम करता रहे। और आज एक छोटी सी नन्ही चिटी से मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि वो जब कोई एक रास्ते पे से गुजरती है तो उस रास्ते पे 1000 बार गिरती है और 1000 बार पड़ती है, फिर भी उसकी मेहनत जो है वो बेकार नहीं जाती है, क्योंकि बार बार लगातार वो एफर्ट लगाते ही जाती है। तो आज कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर ही मैं बात करने वाला हूँ, और डायरेक्ट बात करने वाला हूँ, सीधे से टॉपिक के ऊपर हम आने वाले हैं कि ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हो और अगर आपने काम कर लिया तो ये मेरा दावा है कि आपका बिजनेस जो है वो डेफिनेटली आगे बढ़ने वाला है। तो क्या आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? जी हाँ दोस्तों, रेडी है तो स्टार्ट करें। इंडिया के अंदर 135 करोड़ की आबादी है और 135 करोड़ की आबादी में से जितने भी करोड़ों लोग जो अपना व्यापार लेकर बैठे हैं, वो सारे व्यापारी ऐसी इच्छा रखती है कि मैं मेरे बिजनेस के अंदर ग्रोथ और सक्सेस को हासिल करूं, लेकिन उसके बावजूद वो ग्रोथ और सक्सेस मिलने वाले लोगों की कैटेगरी खाली 3% लोगों की है। 97% लोग बिजनेसमैन आज भी ऐसे हैं कि जो लोग चाहते अपनी जिंदगी में तो बहुत कुछ है, लेकिन मिलता उनको कुछ नहीं है। और चाहने में और मिलने में अंतर खाली इतना ही है, उनकी चाहत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो लग जाती है। और क्या लग जाती है? बैंड बज जाती है। बैंड क्या बज जाती है? कुछ भी नहीं वो कर पाते हैं, खाली हवा में बातें होती है। क्योंकि करने के लिए एक जिगरा होना चाहिए, करने के लिए एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, करने के लिए हमें अपने आप को एक चैलेंज देना चाहिए। और अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में अपने आप को ही चैलेंज नहीं देते हैं, पूरे गांव को देकर आ जाते हैं। ग्रोथ सबको चाहिए, लेकिन मिलता साला क्यों नहीं है? और मिलता इसीलिए नहीं है क्योंकि 5 ऐसी चीजें हैं जो आपको पीछे से पकड़कर रोकी हुई है, और वो रोकी हुई चीजों को जब आप ब्रेक करोगे तब आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ोगे। पहला रीजन उसके अंदर आप लोगों को बताने वाला हो, लैकिंग ऑफ लेटेस्ट नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हुए कि जो आज के तारीख के अंदर बाबा आदम के जमाने के विचार के साथ जी रहे हैं। और बाबा आदम के जमाने के विचार के साथ जीने का मतलब उनका आज की तारीख में भी अपना गल्ला छूट नहीं रहा है, सब कुछ चीजों को पकड़ पकड़ के वो खुद ही काम कर रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि और ज्यादा मेहनत करूंगा ना तो और हासिल करूंगा, और ज्यादा मेहनत करूंगा तो और हासिल करूंगा, और वो हासिल करने के चक्कर में उनकी जिंदगी की वाट लग रही है। और नॉलेज जो है वो नॉलेज के ऊपर वो लोग काम ही नहीं करते हैं, लेटेस्ट नॉलेज को अपग्रेड करते ही नहीं है, धंधे के अंदर नई टेक्नोलॉजी को लेकर आते ही नहीं है, क्योंकि उसके बारे में वो जानते ही नहीं है। क्योंकि जब वो पैसा कमाते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जब उनकी कमाई होती है, वो सोचते हैं अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी जगह घूमो और इसी में मेरी जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी। और ये नॉलेज के पीछे इन्वेस्टमेंट ना करने के कारण वो अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है लैकिंग ऑफ कंटिन्यूटी। बहुत सारे लोग आप लोगों में से ऐसे होंगे जिन्होंने जिम का फॉर्म तो भरा ही होगा और जिम के अंदर गए भी होंगे, लेकिन ये दावा है, मैं छाती ठोक कर बोलता हूं, आप लोगों ने अपने जिम का जो टाइम है ना वो पूरा नहीं किया होगा। और ऐसे आप अकेले नहीं है, ये सर्वे बताता है 90% लोग जिम का फॉर्म तो भरते हैं, पैसा तो देते हैं, लेकिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना कंटिन्यू जाते ही नहीं है। और उसी में उन लोगों का बिजनेस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कंटिन्यूटी कोई भी चीज को लेकर करना ये बहुत लोगों का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टार्ट तो कर देते हैं, खत्म ही नहीं करते।
तो बहुत सारी चीजें आपने आज से एक साल, दो साल, ढाई साल पहले या एक महीने, दो महीने, तीन महीने पहले आपने इनिशिएटिवली लिया होगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन जब करने की बारी आती है तो चद्दर ओढ़कर सो जाते और बोलते हैं हो जाएगा। तो ये सोचने में और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। और बार बार लगातार, बार बार लगातार जब एक चीज होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूंगा, पानी की एक बूंद कितने हजारों लाखों किलोमीटर दूर से जब वो आती है और एक ही पत्थर के ऊपर जब बार 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 गिरती है, तो वो पत्थर को भी लास्ट में टूटना पड़ता है। कंटिन्यूटी चीज ही ऐसी है कि जब एक चीज आप बार 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 लगातार करते जाते हो, एक दिन आपको सफलता मिलनी ही है। लेकिन प्रॉब्लम लोगों का ये होता है कि आज कर देते हैं, कल से देख लिया जाएगा, परसों करेंगे, तरसों नहीं करेंगे। तो एक बार होता है, दो बार होता है, लेकिन बार बार लगातार नहीं हो पाता है। और यही एक दूसरा रीजन है जिसके कारण बहुत सारे बिजनेसमैन जानते बहुत कुछ है, करते साले कुछ नहीं है, और फिर बोलते हैं मेरा जिंदगी में जो मेरा सपना था वो मेरा पूरा नहीं हुआ, तो कैसे होगा। तीसरी चीज अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक बंदा जो है, वो बंदा अगर एक ही काम बार बार लगातार कर रहा है और उसका रिजल्ट अगर उसको एक ही जैसा मिल रहा है, तो कभी ऐसा होने वाला है कि काम एक ही रहे और रिजल्ट अलग मिले। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि रोज सुबह उठकर काम पर जाना, काम पे जाकर फिर से आना, खाना पीना खाना और सो जाना, फिर रोज सुबह काम पर जाना। तो बार बार लगातार एक ही प्रोसेस में जब आप रहोगे, तो साल के एंड में अगर 2 करोड़ का व्यापार था तो 2 करोड़ का ही रहेगा, 5 करोड़ का था तो 5 करोड़ का ही रहेगा। कोई ऐसा मैजिक होने वाला नहीं है कि 2 करोड़ का व्यापार 200 करोड़ का हो जाए, 5 करोड़ का व्यापार 50 करोड़ का हो जाए। उसके लिए 50 करोड़ वाला, 200 करोड़ वाला एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो 50 करोड़, 200 करोड़, 5000 करोड़ आप जा पाओगे। चौथा सबसे बड़ा कारण होता है बहुत सारे बिजनेसमैनों का, जो हमने देखा है, बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों को डर होता है कि मेरे व्यापार के अंदर मेरी जो चीजें मैंने बनाई हुई है, आज अगर मैं किसी को सिखा दूं तो कल उठ के वही मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा। तो कोई आपका कॉम्पिटिटर बनने वाला नहीं है, जिसमें होगा दम वही होगा बाजीराव सिंघम। दोस्तों, जिस बंदे के अंदर गट्स होता है ना, वही बिजनेस कर पाता है। बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि बिजनेस करने का मतलब होता है आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप कभी भी रिस्क ले सकते हो। और रिस्क लेने की एबिलिटी जिस बंदे के अंदर सबसे ज्यादा होती है, वही धंधे में आता है। तो धंधे में आना और धंधे को बढ़ाना, उसके लिए आपको अपने जैसे, अपनी टीम में, अपनी कंपनी में और ज्यादा लोगों को आपको तैयार करना पड़ेगा। और चौथा रीजन ऐसा है कि ज्यादातर लोग अपने डुप्लीकेट लोगों को तैयार करते ही नहीं है और फिर बोलते हैं मेरा व्यापार क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो आप एक बार अपने आप से सवाल पूछकर देखो, मेरे जैसे मेरे टीम में कितने लोग हैं जिस लोगों को साथ में लेकर मैं मेरी कंपनी को आगे लेकर जाऊं। पांचवा और वो रीजन है स्पीड जो है ना, वो स्पीड के अंदर बहुत ढीले ढीले लोग हैं और बहुत लैकिंग वाले लोग हैं। बहुत कम स्पीड में जाकर वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं मेरे धंधे को 10 गुना बढ़ा दूंगा। तो लैकिंग ऑफ स्पीड, ये पांचवा सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि कहा जाता है कि जब आप कोई भी काम जब स्पीड में करते हो, तो स्पीड में करने से उस काम का मोमेंटम क्रिएट होता है और वो मोमेंटम क्रिएट करने के कारण आप अपने बिजनेस को 10 गुना आगे लेकर जा सकते हो। लेकिन वो मोमेंटम जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आपका बिजनेस लोकल था, लोकल है और साला लोकल ही रह जाएगा और लोकल ही मर जाने वाले हो आप। अगर आप अपने बिजनेस को ग्लोबल लेकर जाना चाहते हो, अगर आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेकर जाना चाहते हो, तो आपको अपनी स्पीड को धक्का देकर आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम जैसे लोगों का साथ लेना पड़ेगा जो आपको धक्का मार मार के आपके बिजनेस को आगे लेकर जाए। और जितने भी लोग बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं और अगर उनका बिजनेस आज आगे नहीं बढ़ रहा है, उन सब लोगों को मेरी ये गुजारिश है कि ये वीडियो जो है वो आप उनको फॉलो कीजिए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे, नए नए टॉपिक के ऊपर बातें करते रहेंगे। और जब तक हम आपके साथ खड़े हैं, आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का टेंशन लेना नहीं है। वो टेंशन लेने के लिए गुरुकुल आपके साथ खड़ा है।